तो इंजीनियर जो सीरीज हम लोगों ने कंटिन्यू की थी बीबीएस पीबी स्ट्रक्चर का बार बेंडिंग शेड्यूल पढ़ने की, उसी से रिलेटेड आज एक वीडियो है। और आज हम कॉलम के बारे में बात करेंगे, एक कॉलम के बारे में जो कि पीबी स्ट्रक्चर का कॉलम होने वाला है। तो सबसे पहले इसकी रेनफोर्समेंट डिटेल को समझेंगे हम लोग। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कॉलम के बारे में कि कॉलम होता क्या है। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने कॉलम देखा होगा, इसका रेनफोर्समेंट देखा होगा, लेकिन इसके रेनफोर्समेंट को पढ़ना भी होता है एज पर ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग रीडिंग होती है सबसे ज्यादा जरूरी। आप लोग देख रहे हो उसी के साथ साथ, ये तो नॉर्मल कॉलम है हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये होता है कुछ इस तरीके का पीबी स्ट्रक्चर का कॉलम, पीबी स्ट्रक्चर का कॉलम। और इसके ऊपर आप लोग बेस प्लेट भी दिख रहे हो और इसमें बोल्टिंग भी की गई है। तो इसी से रिलेटेड डिटेल्स आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को बने रहना है वीडियो में लास्ट तक। तो इंजीनियर्स, रेनफोर्समेंट डिटेल पढ़ने से पहले हम लोगों को हमेशा प्लान पढ़ना होता है। प्लान से ही हमें पता चलता है कॉलम का ओरिएंटेशन, कि कॉलम किस साइड है उसका ओरिएंटेशन क्या है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि इस तरीके से हमारे पीबी स्ट्रक्चर की प्लान ड्राइंग है, इसमें आप लोगों को फुटिंग भी नजर आ रही होगी और उसमें आप लोगों को कॉलम भी नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर अलग अलग कॉलम के बारे में डिटेल्स दी गई है, उसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है, सेक्शन दिया हुआ है, और इसी में से एक कॉलम का डिटेल आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ड्राइंग कुछ इस तरीके से है हमारे कॉलम की। इसकी डिटेल्स को एकदम ध्यान से समझना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो हम लोग बॉटम से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहां दिखाई दे रहा है 75 थिक पीसीसी। मतलब क्या है ये, 75 mm की थिकनेस है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले जब नोट्स, जनरल नोट्स में पढ़ा था, तो उसमें दिया गया था कि जो भी डायमेंशन दिया गया है वो mm में दिया गया होगा। तो 75 mm थिकनेस ऑफ पीसीसी, पीसीसी की थिकनेस 75 mm है। इसके बाद यहां पर आपको रेनफोर्समेंट की डिटेल्स नजर आ रही होगी। अब रेनफोर्समेंट की डिटेल में आप लोगों को फुटिंग भी नजर आ रही है और ये कॉलम भी नजर आ रहा है, और कॉलम के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को, दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग यहां देखिए 75 mm थिकनेस, और फिर उसके बाद यहां पर आप लोगों को बार दिखाई देंगी। अब ये बार कौन सी है, इसकी डिटेल यहां पे दी गई है, बॉटम बार है ये, ठीक है, ये बॉटम बार है। इसके बाद आप लोगों को एक और दिखाई देगा, स्पेशल कन्फाइनिंग जोन रेनफोर्समेंट। यहां पर कन्फाइनिंग जोन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चरल डिजाइन किया गया है। तो यहां पर आप लोग देखोगे कि 8 mm का डाया है, 75 सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग दी गई है। किस चीज की स्पेसिंग दी गई है, यहां के स्टीरअप्स की, कॉलम के स्टीरअप्स की, कॉलम के स्टीरअप्स की, जहां पर कन्फाइनिंग जोन है। अब कन्फाइनिंग जोन कहां पर है ये भी देखिए, जितनी जगह पर फुटिंग दिख रही है, फुटिंग की थिकनेस, वहीं तक कन्फाइनिंग जोन है, और कन्फाइनिंग जोन का 8 mm का स्टीरअप का डाया है, और क्या है, सेंटर टू सेंटर 75 mm का इसका स्पेसिंग है। तो यहां पर जैसे आप लोग देख रहे हो, हार्ड कॉम्पैक्टेड सॉइल आप लोगों को दिखाई दे रही है, यहां पर हार्ड कॉम्पैक्टेड सॉइल के ऊपर पीसीसी किया गया है। अब यहां पर आपको एक डी दिखाई देगा। अब ये डी क्या है, ये डी है हमारे फुटिंग की जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसकी थिकनेस। अब इसकी थिकनेस है तो यहां पर D2 है, मतलब यहां पे जो लेंथ है, यहां पे जो बेंड किया गया है फुटिंग की एक बार, ये बार जो बेंड की गई है, ये बेंड D/2 की गई है, और ये बार हो गई टॉप बार्स, ठीक है। अब ये पेडेस्ट्रियल कॉलम यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आप लोगों को प्लिन बीम यहां पर आने वाला है। ये जो एक्स दिखाई दे रहा है, ये डिनोट करता है कि कोई बीम आकर यहां पर ज्वाइन होने वाला है, ठीक है, तो वो यहां ज्वाइन होने वाला है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है, ये तो कॉलम है, तो ये कौन सा कॉलम है, ये होता है हमारा स्टब कॉलम। अब स्टब कॉलम क्या होता है, इसका थोड़ा डिटेल समझिए। हम लोग क्या बना रहे, हम लोग बना रहे पीवी स्ट्रक्चर, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में क्या होता है, रेनफोर्समेंट ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा स्टील के कॉलम्स होते हैं, है ना, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में। लेकिन उसी के साथ साथ ये तो पूरे स्ट्रक्चर का लोड संभालते हैं, लेकिन जो आउटर वॉल्स होती है, जो आउटर वॉल्स होती है, उसमें ब्रिक वर्क किया जाता है, उस ब्रिक वर्क के लिए हम लोग बनाते हैं स्टब कॉलम्स। तो ये जो आप लोगों को स्टब कॉलम दिखाई दे रहा है, ये स्टब कॉलम दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ ब्रिक वर्क के लिए, इस पर कोई भी स्ट्रक्चर का लोड नहीं आएगा। स्ट्रक्चर का किसी भी तरह का लोड स्टब कॉलम पर नहीं आने वाला है, स्ट्रक्चर का सारा लोड आने वाला है हमारे इस पीबी स्टील कॉलम पर,
ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए इसका पूरा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर अलग होगा, सारी चीजें कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी अलग होगी, और ये सिर्फ होगा ब्रिक वर्क के लिए। चलिए ठीक है, ये समझ गए, आगे देखते हैं। यहां पर हम लोगों को कुछ चीजें डिनोट की गई है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। सबसे पहले आप लोग देखिए, ये एफएफ लेवल है। एफएफ लेवल मतलब होता है फिनिश्ड फ्लोर लेवल, ये आप लोग नोट करते जाइए। उसी के साथ साथ एफआरएल, एफआरएल मतलब होता है फिनिश्ड रोड लेवल, और उसके बाद एफजीएल मतलब फिनिश्ड ग्राउंड लेवल। फिनिश्ड ग्राउंड लेवल मतलब कि अब ये पूरी तरीके से कॉम्पैक्टेड हो चुका है और इसमें अब किसी तरह का कॉम्पैक्शन नहीं होगा, और अगर इसमें किसी तरह का और पेमेंट बनाना है तो इसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं। वो हो गया हमारा फिनिश्ड ग्राउंड लेवल, और लास्ट में है हमारा एनजीएल। एनजीएल मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल, जो पहले जैसे ग्राउंड था नेचुरल ग्राउंड लेवल, उसके बाद मतलब यहां तक पूरी फिलिंग की गई होगी, और उसके बाद जब ये लेवल अचीव हुआ तो ये बना फिनिश ग्राउंड लेवल, और ये क्या हो गया, नेचुरल ग्राउंड लेवल। तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है कॉलम के रेनफोर्समेंट के स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें। अब यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बॉक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, ये बॉक्स क्यों दिया गया है इस रेनफोर्समेंट में। ये बॉक्स इसलिए दिया गया है क्योंकि ये है प्लिंथ बीम, और इसकी रेनफोर्समेंट डिटेल इस ड्राइंग में आप लोगों को नहीं मिलेंगी। इसकी रेनफोर्समेंट की डिटेल आपको मिलेगी अलग सेपरेट ड्राइंग में। यहां पे वो बोल भी रहा है कि सेपरेट ड्राइंग में देखना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग एक पूरे स्ट्रक्चर, कॉलम के स्ट्रक्चर की ड्राइंग को रीड करते हो और इसके हिसाब से आगे एग्जीक्यूट करते हो। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा था कि सर कॉलम में लैप लेंथ कहां देना है, तो उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा। तो हम समझते हैं कि हमें लैप कहां देना है, ये सबका क्वेश्चन था मुझसे, तो एक बार इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाता है। जब भी किसी भी तरीके के अगर ये दो स्ट्रक्चर है, मतलब ये समझ लेते हैं ये दो बीम है यहां पर, अब ये दो बीम है तो यहां पर लैप कहां देना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जंक्शन में तो कभी नहीं देना है, मतलब यहां पर कभी नहीं आने चाहिए आपके लैप, एकदम मनाही है, यहां पर लैप होना ही नहीं चाहिए। तो लैप कहां दे हम, अगर ये एक बीम है और ये एक बीम है और यहां पर कहीं पर हमें लैप देना है, तो ये तो कंफर्म है कि भाई जंक्शंस पे तो नहीं देना है, तो फिर कहां देना है। हम देते हैं यहां से डी बाय फोर और यहां से डी बाय फोर के बाद, मतलब इस पर्टिकुलर हिस्से में ही हम लोग लैप देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को बात एकदम ध्यान रखना है, सिंपल है, D/4, D/4, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर लैप जंक्शन में आप लोगों को लैप नहीं देना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसका सेक्शन देखते हैं हमारे कॉलम के बारे में, और इसका साइज समझते हैं कि आखिर इसका साइज क्या है। आप लोग यहां पर देख रहे हो तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है हर कोई कि सर इसमें कॉलम क्या ये है, नहीं, इसमें कॉलम जो आप लोगों को यहां पर मिडल में दिखाई दे रहा है ये है। अब यहां पर आप लोगों को एक और चीज दिखाई दे रही होगी, यहां पर कॉलम का अगर आप साइज देखे तो देख रहे हो आप लोग 1650 mm का कॉलम बाय 950 by 1650 का कॉलम का साइज है, मतलब सोच रहे आप लोग कॉलम लगभग इतना बड़ा। और उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को बेस प्लेट भी दिखाई देगी, यहां पर बेस प्लेट देखिए, यहां पे नंबर ऑफ बोल्टिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लगभग 16 बोल्ट हो गए यहां पर। और उसी के साथ साथ यहां पर आपको छोटा सा स्टब कॉलम भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टब कॉलम का आखिर में साइज क्या है, और स्टब कॉलम को तो हम लोगों ने साइज देखा था 230 by 350 का स्टब कॉलम का साइज है। तो यहां से साइज पता चलता है। अब ये टॉप व्यू हो गया है हमारी ड्राइंग का। सो इंजीनियर्स, इस तरीके से ड्राइंग की डिटेल्स हमें पढ़नी होती है, और भी ज्यादा डिटेल इसके अलग टेबल्स में दी गई होगी। तो आप लोग जब भी कोई भी ड्राइंग डिटेल पढ़े तो हर एक ड्राइंग को अच्छे से चेक करें और उसकी डिटेलिंग अच्छे से पढ़े। होप करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। ऐसे ही और टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।